हाय फ्रेंड्स, किरण्स किचन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खजूर बर्फी, जो काफी टेस्टी और काफी हेल्दी होती है। और सबसे मेन बात, इसे आप व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि ये खजूर और ड्राई फ्रूट से बनी होती है और बहुत कम टाइम लगता है इसे बनाने में, और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं। तो चलिए फिर बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। खजूर की बर्फी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए खरबूजे के बीज, जिसे मैंने छील लिया था, और यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम लिए हैं, थोड़े से कटे हुए पिस्ता, और थोड़ा सा कटा हुआ मैंने यहाँ पर काजू लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने खजूर लिया है जिसके मैंने बीज निकाल के इसे मिक्सी में एक दो बार चला लिया था। यही इंग्रेडिएंट हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए चाहिए रहेंगे, और जो खजूर की क्वांटिटी थी वो 12 से 15 है। अब हम गैस पे एक पैन लेंगे और उसमें ले लेंगे 1 टेबलस्पून गाय का शुद्ध देसी घी। और अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर खरबूजे के बीज लिए, इसे हम 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इसको आपने लगातार चलाते रहना है ताकि ये एक बराबर अच्छे से रोस्ट हो, कहीं से भी ये ज़्यादा ना सिक जाए, इसलिए आपको लगातार चलाना है। 1-2 मिनट चलाकर जब ये हल्के से फूल जाएंगे तो हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कटा हुआ काजू डाला है और कटा हुआ बादाम डाला है। अब इसे भी हम 1.5 मिनट तक अच्छे से चला के रोस्ट कर लेते हैं। अब ये तीनों चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पे खजूर ले लेंगे, जिसे हमने मिक्सी में चलाया हुआ था, उसी सेम पैन में लेंगे। पैन में मैंने और घी नहीं डाला है, क्योंकि पैन में घी पहले से ही हल्का सा था, इसलिए और घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब खजूर को भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और दबा दबा के रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसे मेल्ट करवाने ताकि इसकी बाद में हम बर्फी जमा सकें। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम लो रखा हुआ है, और आपको इसे लगातार चलाते हुए दबा दबा कर ही इसे रोस्ट करना है। ऐसा करने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, तब जाके ये मेल्ट होना शुरू होगा। ये देखिए, मेरे को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब ये पिघलना शुरू हो गया है, आपस में सिमट रहा है। तो हमने जो बाकी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे, और साथ ही मैं यहाँ पे पिस्ता भी डाल दे रही हूँ, इसे मैंने रोस्ट नहीं किया था। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे डाल देंगे, और अब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा और अच्छे से इसमें सिमट भी जाएगा। ये बर्फी काफ़ी टेस्टी बनती है और साथ ही ये हेल्दी भी होती है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई है। ड्राई फ्रूट्स और खजूर के फ़ायदे तो सभी को पता होगा, तो आप भी इसे ज़रूर बनाना। इस वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम लो कर रखा है, और मीडियम लो फ्लेम पर ही इसे मैं पका रही हूँ। अब ये देखिए, काफ़ी हद तक बढ़िया से सिमट रहा है, और आपने देखा मैंने कहीं भी चीनी नहीं डाली है, क्योंकि खजूर पहले से मीठे होते हैं, तो इसलिए चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस इसे ऐसे ही मैं 1-2 मिनट और चलाऊंगी, और उसके बाद ये बर्फी वाला मिश्रण तैयार हो जाएगा। 1-2 मिनट मैंने और पका लिया है, अब ये तैयार है, तो इसे गैस पे से उतार के एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। जैसे भी शेप में सेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे गोल शेप दूंगी, तो इसलिए मैं इसे इस तरह से रोल करे ले रही हूँ, और बस इसे अब हम फॉइल पेपर में रैप करके रख देंगे, और बस अब आपको इसके लिए ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 1/2 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है, और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद इसे आप काट के खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे 1/2 घंटा रेफ्रिजरेट कर लिया है, अब ये बढ़िया से सेट हो चुके हैं। अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। और ये देखिए, ये खजूर बर्फी तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए, ये बहुत ही टेस्टी बनी है और काफ़ी हेल्दी भी है, और इंग्रेडिएंट तो आपने देखा काफ़ी कम लगे, सिर्फ मुझे इसके लिए 15 से 20 मिनट ही लगे। तो आपको कैसे लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आपको इसी तरह के एक नए वीडियो में।